नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट झटपट। आप सभी का स्वागत है। मिर्च भरने के लिए हमें ये सब सामग्री की ज़रूरत है और मेथी जीरा को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर धनिया पाउडर आपके पास नहीं है तो वो बीज आप ले सकते हैं। अब हम भून लेंगे जीरा को। मेथी हमारी भून चुकी है, चटकने तक इस तरह से हम भून लेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। ये धनिया पाउडर है, इसे भी हम भून लेंगे। ये भी भून चुका है हमारा। अब हम इधर चलते हैं। ये देखिए, मिर्ची को धो लिया है, सुखा के इसमें कट लगा दिया है चाकू से। सारी मिर्ची में हमने कट लगा लिया है, बीज वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। और जो मिर्ची हम यूज़ करते हैं चटनी के लिए वही है। ये देखिए, धनिया पाउडर हमारा ठंडा हो चुका है। ये मेथी हमने पीस ली है, जीरा है पीस लिया है इसे भी। और इन सब सामग्री को हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो 2 चम्मच यहाँ पर नमक लिया है और 1/4 चम्मच लिया है हींग। अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मिक्स कर देती हूँ मैं। और ये देखिए, अभी ये सूखा है हल्का सा, तो इसे और गीला करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी दही। ये मिर्ची को दोनों तरह से भर सकते हैं, या तो आप मसाले में दही मिला लें, या फिर मसाला भरने के बाद फिर दही में मिर्ची डुबा के फिर सुखाते हैं, वैसा भी करते हैं। और ये मसाला इसका थोड़ा सा सूखा था, तो हमने भी इसमें पानी डाल दिया है और इसे हमें गीला करना है। गीला मसाला हम इसमें भरेंगे, सूखा झड़ जाएगा, इसलिए हम इसे देखिए इस तरह से भरेंगे गीला। इस तरह से ही हम रखेंगे, जिस तरफ से कट लगाया है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और सुखा लेंगे। 2 दिन बाद ये मिर्ची सूख के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, सूख गई हैं अच्छी तरह से। मैंने इन्हें पॉलीथिन में भी भर दिया है और पैक करके रख देंगे हम डिब्बा में। अब मैं आपको यहाँ तल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह की भरवा मिर्ची आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगर वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए बाय।